नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY JN के। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सा एक टूल जो कि मल्टीपल यूज़ में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं अपने सामने JPT की 21 वोल्ट्स की कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर। तो बेसिकली ये कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, बैटरी पे ही चलेगा। बट इस कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर को हम अपने कार डिटेलिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करेंगे और ये होगा एक सोल्यूशन, एक इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता सोल्यूशन एक बहुत महंगे ऑल्टरनेटिव का। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये आपको बॉक्स अपने सामने दिख रहा है, ये पूरी किट बॉक्स में आती है, प्लास्टिक का बॉक्स है, बहुत सॉलिड बॉक्स है। तो बॉक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है, इसमें एक्सेसरीज वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपने एंगल ग्राइंडर का ब्लेड वगैरह स्टोर करना हो या कोई और चीज़ें स्टोर करनी हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक्सेसरी स्पेस के बाद आती है मेन बॉक्स की बारी और मेन कॉन्टेंट्स की बारी। तो बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पर दो लैचेस दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप इन दो लैचेस को बहुत ही आराम से खोल सकते हैं और लैचेस को खोलने के बाद ये बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। तो बॉक्स के अंदर की फर्स्ट लुक जो है कुछ इस तरीके की है। सारे के सारे कंटेंट्स आपको बॉक्स में यहीं पर मिलते हैं। सबसे ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलती है और JPT की तरफ से आया हुआ वारंटी कार्ड मिलता है, तो इन्हें हम साइड पर रखेंगे। और ये हैं वो सारी चीज़ें जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती हैं। तो अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो ये है हमारी मेन मशीन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया, हैंडी और एर्गोनॉमिक लग रही है। ये इसके ब्लेड का कवर है आगे, अगर आप इसे मेटल कटिंग ब्लेड अटैच करते हैं तो ये कवर है, ये हैंडल है। यहाँ पे एक ओपनिंग टूल दिया हुआ है, ये चार्जर है बैटरीज़ का और यहाँ पे 21 वोल्ट की दो बैटरीज़ हैं। तो ये है सारा का सारा कॉन्टेंट। तो चलिए अब वन बाई वन बॉक्स को साइड करते हैं, वन बाई वन हर एक चीज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर एक्सेसरीज़ की, तो ये है सबसे पहली एक्सेसरी जो कि है एक चार्जर, जो कि चार्ज करेगा इसकी दो बैटरीज़ को। और ये दो बैटरीज़ जो है 21 वोल्ट की बैटरीज़ हैं, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही पावरफुल बैटरीज़ है, वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और इन्हें चार्ज करने के लिए सिंपली आप चार्जर को इस तरीके से पकड़ें और बैटरी को उल्टा करके पकड़ें और इस तरीके से आपने दोनों को अटैच कर देना है। और यहाँ पे सिग्नल जो है आपको शो होता रहेगा, चार्जिंग के लिए ग्रीन लाइट जलेगी और जब चार्ज हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगी। तो बैटरीज़ को चार्जर से डिटैच करने के लिए या मशीन से डिटैच करने के लिए ये बटन प्रोवाइड किया गया हुआ है, इसको दबाना है, लॉक ओपन हो जाएगा, उसके बाद स्लाइड करके आप इसे खोल सकते हैं। तो मेन मशीन दिखाने से पहले ये छोटी छोटी एक्सेसरीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तीन छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं जो आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेंगी। ये है हैंडल, राइट या लेफ्ट साइड आप इसे लगा सकते हैं अपने हैंड ओरिएंटेशन के हिसाब से। और ये है इसके लिए रेंच जो आप ब्लेड को टाइट करने के लिए यूज़ करेंगे। और ये है शील्ड यानी कि गार्ड, जब आप मेटल कटिंग करेंगे इस ग्राइंडर से तो ये वाला गार्ड जो है इसके ऊपर लगाएंगे। अब बात करते हैं मेन मशीन की। तो दोस्तों, ये है हमारी मेन मशीन यानी कि मेन हमारा एंगल ग्राइंडर। तो अगर आप देखेंगे बहुत बल्की नहीं है ये एंगल ग्राइंडर, देखिए मेरे हाथ में कितना इजीली मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ। ग्रिप जो है एकदम सॉलिड बन रही है, ये रबड़ की ग्रिप दी गई हुई है तो स्लिप वगैरह होने के कोई भी चांसेस नहीं है। और बटन्स की पोजीशन एकदम कन्वीनियंट है और लॉकिंग अनलॉकिंग भी बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अर्गोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि एंगल ग्राइंडर ऐसी चीज़ है जिसको आपको काफ़ी देर तक हाथ में पकड़ के रखना पड़ता है, इसलिए ये चीज़ जो है अर्गोनॉमिकली यानी कि हाथ में पकड़ने के लिए बेहतर डिज़ाइन के साथ आनी चाहिए। तो अगर फिज़िकल फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लेड अटैच करने की जगह मिलती है, इसे आप ओपन करके इसमें आप बैकिंग प्लेट भी लगा सकते हैं और पॉलिशिंग पैड्स यानी कि डिटेलिंग के काम में भी इसे ले सकते हैं। आगे जाके डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे इसका ये लॉकिंग स्पिंडल लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसे दबा के आपने आगे से कुछ टाइट करना है तो इसे दबा के यहाँ पे करना है। ये बैटरी की पोजीशन है, यहाँ पे हम बैटरी स्लाइड करेंगे। और यहाँ पे देखिए JPT की ब्रांडिंग वगैरह की हुई है, ब्रशलेस एंगल ग्राइंडर है तो ब्रशलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो ब्रशेस में नॉर्मली क्या होता है, ब्रश घिस जाते हैं उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट ये ब्रशलेस मोटर के साथ है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काफ़ी ड्यूरेबल होने वाली है और काफ़ी चलेगी। तो चलिए जल्दी से इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारी बैटरी को इस तरीके से होल्ड करिए, लॉकिंग
ये लॉकिंग बटन है, इसके ऑपोजिट से आपने एंगल ग्राइंडर को उल्टा पकड़ के इसमें स्लाइड कर देना है, और यहाँ पे देखिए क्लिक की आवाज़ होगी और हमारा एंगल ग्राइंडर जो है वो रेडी हो गया। आप देखिए बढ़िया तरीके से चल भी रहा है। अब जो इसमें बताने वाली मेन चीज़ है वो इसकी बेस में है, जहाँ पे ये बैटरी अटैच होती है, तो यहाँ पे ये ऊपर इसकी बेस है। तो अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये एक बटन दिया गया हुआ है, टच बटन दिया गया हुआ है। ऑन ऑफ तो ये बटन से ही होता है ऊपर वाले, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, बट यहाँ से आप इसके मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ऊपर वाला बटन दबा के इसको ऑन करता हूँ, और मैंने इसको कॉन्टिन्यूस मोड में यहाँ पर ऑन कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बटन दबाएंगे, ये देखिए इसकी स्पीड कम हो गई, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे फिर से कम हो गई। तो इसमें स्पीड के तीन लेवल्स आते हैं, ये सबसे कम स्पीड है, उसके बाद दोबारा से दबाएंगे तो ये स्पीड यहाँ पे बढ़ गई है, यानी कि आरपीएम बढ़ गए हुए हैं, और ये इसका फास्टेस्ट आरपीएम है। तो दोस्तों यही इस मशीन का जो खास फीचर है वो यही है कि इसके RPMs वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर ये जो तीन LEDs हैं ये बैटरी लेवल इंडिकेट करती हैं। तो ये था इस मशीन का थ्योरेटिकल ओवरव्यू, अभी हम इसका जो प्रैक्टिकल यूजेज है बाहर जाके दिखाएंगे। बट बाहर जाने से पहले मैं इसमें एक्सेसरीज़ जो हैं रिक्वायर्ड, जो इसका हम 2-in-1 इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके लिए जो भी एक्सेसरीज़ रिक्वायर्ड है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो भी एक्सेसरीज़ लगनी है वो यहाँ पर लगनी है। तो ये दो एक्सेसरीज़ हैं जो इसमें हम आज कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो ये है एक 3 inch का बैकिंग प्लेट, जिसमें हम बफिंग पैड वगैरह अटैच करके पॉलिशिंग वगैरह करेंगे, इसको एज रोटरी मशीन यूज़ करेंगे। और ये है एक कट ऑफ व्हील, ठीक है, तो ये भी हम लगाएंगे क्योंकि एंगल ग्राइंडर है, तो एंगल ग्राइंडर में नॉर्मली यही चीज़ें लगती हैं, तो ये भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी चीज़ें, जितनी भी एक्सेसरीज़ आप एंगल ग्राइंडर से कनेक्ट कर सकते हैं वो सभी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही एक चीज़ आज आपको लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कट ऑफ व्हील लगाते हैं। कट ऑफ व्हील लगाने के लिए आपको सेफ्टी कवर यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, तो सेफ्टी कवर यहाँ पे इस तरीके से लगाएं, उसके बाद इसे टाइट कर दें, इस नट को इसे अपनी पोजीशन में लॉक कर दें, क्योंकि हमने जब यूज़ करना है इसे तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, तो एक्सीडेंटली कभी कट ऑफ व्हील टूटता है आगे वाली, अगर कोई हार्ड चीज़ है उसकी वजह से, तो ये इसके पीसेस कट टूट के हमारी डायरेक्शन में ना आए। तो इसे स्लाइटली आप अपने हाथ की डायरेक्शन में तो रखेंगे, बट हाथ की डायरेक्शन में इसका लोअर पोर्शन रखेंगे, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी, हाथ की भी हो जाएगी, और ऊपर भी कुछ नहीं आएगा हमारी आँख की डायरेक्शन में। तो इसको, इसकी ओरिएंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से इसकी ओरिएंटेशन, इसको लॉक कर दीजिए स्क्रू ड्राइवर से, यहाँ पर टाइट कर दीजिए। तो अभी मैं इसे निकाल रहा हूँ, टाइट बाद में करूँगा। तो कटिंग के लिए हम ये कट ऑफ व्हील लगाएंगे। कट ऑफ व्हील लगाने से पहले यहाँ पे देखिए एक नॉच बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे भी एक कट है, और इसमें ये दो एलिवेशन्स हैं, तो इन एलिवेशन्स को यहाँ पर पूरा फिट करना है, तो उसके बाद मूव नहीं करेगा। तो उसके बाद आपने अपना कट ऑफ व्हील यहाँ पे रखना है, ठीक है, देखिए इसका एलिवेटेड पोर्शन इसमें पूरा फंस गया ये। उसके बाद ये लॉक जो है ऊपर से टाइट करना है, इसे टाइट कर दीजिए। उसके बाद नीचे से स्पिंडल लॉक को प्रेस करके, ठीक है, जब टाइट हो जाता है उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी एक्सेसरी फिट करने के लिए आपको ये चीज़ बाहर निकालनी है, ये एक्सेसरी ऑफ कोर्स ये तो निकलेगी ही, इसको नीचे वाले को रहने देते हैं, और इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से बैकिंग प्लेट को यहाँ पे टाइट कर दें। तो स्पिंडल लॉक कीजिए और बैकिंग प्लेट को यहाँ पे टाइट कर दें। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे रोटरी पॉलिशर बन गया, ठीक है, विद वेरिएबल आरपीएम। आप कम आरपीएम, मीडियम आरपीएम और हाई आरपीएम पे इसे चला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब। तो चलिए दोस्तों आप बाहर चलते हैं और दोनों ही चीज़ों को मैं डेमो आपको दे देता हूँ। तो ये देखिए कितनी जल्दी कटिंग हो गई है, यहाँ पे ये पीस जो है कट गया हुआ है इस मशीन से।
तो अब यहाँ पे देखिए, हमने मशीन के साथ जो है 5 इंच का फोम पैड जो है वो अटैच कर दिया हुआ है, और अब ये मशीन जो है एक रोटरी मशीन की तरह एक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इससे हम काम जो करने वाले हैं दोस्तों वो इस पैनल पे करेंगे। ये एक पीछे वाला क्वार्टर पैनल है, तो यहाँ पर अगर आप कैमरा कैच कर पाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्लियर कोट सा एक इकट्ठा हो गया हुआ है, तो ये कंपनी ने क्लियरली अच्छा काम किया नहीं हुआ है, मारुति से ही काम करवाया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे निशान यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सैंड करके निकालेंगे, और उसके बाद जो सैंडिंग के मार्क होंगे वो हम बफिंग से निकालेंगे, और बफिंग के लिए हम मशीन यही वाली यूज़ करेंगे। तो अभी हम सैंडिंग शुरू करते हैं 2000 ग्रिट के सैंड पेपर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये मार्क्स थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, कैमरे में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, अगर हम नेकेड आई से देखें तो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहे हैं। तो इन्हीं मार्क्स की मैं बात कर रहा था। तो अभी हमने थोड़ी सी सैंडिंग की हुई है, अभी और सैंडिंग करेंगे, इन मार्क्स को पूरा निकालने की कोशिश करेंगे जितना ही निकल पाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सैंडिंग ऑलमोस्ट जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये है सैंडिंग के बाद की फिनिश, तो काफ़ी रफ़ हो चुका है यहाँ से पेंट। तो अभी मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए सैंडिंग मार्क्स हैं, और एक क्लियर कोट जो वाइट आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये क्लियर कोट उतर रहा है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा क्लियर कोट था ये वो उतर रहा है या गाड़ी का ओरिजिनल वाला उतर रहा है ये मुझे नहीं पता है। तो अभी मैंने काम यहाँ पे रोक दिया हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं स्ट्रेट अवे कंपाउंडिंग करना स्टार्ट करता हूँ बफिंग पैड लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कटिंग कंपाउंड है, तो सैंडिंग मार्क्स को हटाने के लिए कटिंग कंपाउंड की हमें ज़रूरत पड़ती है। कंपाउंड को हमने सब जगह फैला दिया, उसके बाद हम सबसे पहले तो स्लो स्पीड पे इसको चालू करेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी स्लो स्पीड पे कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ग्लॉसीनेस जो है काफ़ी ज़्यादा आ गई हुई है, काम अच्छा किया हुआ है, बट जो क्लियर कोट यहाँ पे जो स्प्रेड हुआ था पहले का बहुत ही ज़्यादा एक्सेस था, उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़े बहुत निशान जो हैं वो रह गए। अदरवाइज़ इस पैनल पे ग्लॉसीनेस जो है बहुत आई हुई है। रोटरी पॉलिशर जो हमारा एंगल ग्राइंडर कम रोटरी पॉलिशर था उसने अपना काम जो है बखूबी निभाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने अपना काम किया। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसका जो है बढ़िया तरीके से सलूशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो जो क्लियर कोट था वो जब हमने रीपेंट करवाया था पैनल को तभी वो एक्सेस हो गया था यहाँ पे, और वो नीचे वाला जो ओरिजिनल क्लियर कोट था पैनल का उसके साथ वो बॉन्ड हो चुका था। तो हमने जो ऊपर वाले को लूज़ किया सैंडिंग करके तो नीचे वाला भी लूज़ हो गया। तो अभी मुझे लगता है कि क्लियर कोट जो है वो हमारी सैंडिंग की वजह से डैमेज हुआ पड़ा है। अदरवाइज़ बाकी पैनल पे देखिए शाइन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शाइन आई हुई है। शाइन में कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे देखिए शाइन बहुत बढ़िया आई हुई है। तो दोस्तों अगर फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूँ तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं एज एंगल ग्राइंडर तो मैं आपको ये 100% रिकमेंड करूँगा, मैं इसे 10/10 नंबर दूँगा।
और मैं आपको कहूँगा कि आप इसे ख़रीद लें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से कटिंग करता है ये। इसमें वेरिएबल स्पीड कंट्रोल्स हैं, काफ़ी हाई आरपीएम्स भी हैं, तो किसी भी टाइप की कटिंग करनी है आपको तो आप इस मशीन से कर सकते हैं। तो एंगल ग्राइंडर के केस में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं, जैसे हमने इसे एज ए रोटरी पॉलिशर यूज़ किया, तो उसमें मैं इसको 10 में से 8 नंबर्स दूंगा, क्योंकि इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी रफ़ है। रफ़ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं शाइनमेट, मैक्स शाइन और रूपीज़ की मशीनों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड मशीन्स हैं और काफ़ी महंगी भी मिलती है एट द सेम टाइम। बट ये मशीन अगर आप इसे देखेंगे, एक तो ये कॉर्डलेस है और मैंने इसे आपको ड्यूअल पर्पज़ यूज़ करके दिखाया हुआ है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम अकाउंट में लें, तो अगर एक न्यूबी है, कोई बिगिनर इंसान है जिसको रोटरी पॉलिशर यूज़ करना है सस्ता बजट में, काफ़ी ज़्यादा महंगे अल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, जैसे वायर्ड वाले मैं शाइनमेट की बात करूं तो वो तकरीबन 15,000 से स्टार्ट होता है, और अगर रोटरी की बात कर रहा हूं, और अगर आप बैटरी वाले की बात करेंगे जो कॉर्डलेस आता है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, बट उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो अगर आप एक इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और आप एक बिगिनर हैं, आप इसी पे सब कुछ सीखते हैं, तो आपको इसे चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मैंने इस मशीन को फर्स्ट टाइम हैंडल किया, मैं बाकी रिफाइंड मशीन्स को हैंडल करने का आदी हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे ये रफ़ लगी। अदरवाइज़ दोस्तों बहुत बढ़िया मशीन है, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, आप एक बारी ख़रीद के इसे चेक करिए, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देने वाली मशीन है एट लो प्राइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पे जाके चेक करिए मशीन को, अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ भी कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।